आज का एक भारत। सन 1947 में हमारे भारत को अंग्रेजों से आजादी तो मिली, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम चाहते थे, बल्कि वैसे जैसे कि अंग्रेज चाहते थे। विभिन्न स्वतंत्र रियासतों के रूप में हालात आज भी वही होते अगर किसी ने इन्हें जोड़ने का भगीरथ पुरुषार्थ न किया होता। भारत की 565 अलग अलग रियासतों को एकजुट करने के इस असंभव से दिखते कार्य को नड़ियाद नामक गांव के किसान परिवार में जन्मे एक साधारण से दिखने वाले इंसान ने संभव कर दिखाया। बंटी हुई रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर एक भारत का निर्माण किया। ये चमत्कार करने वाले और कोई नहीं, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना पूरा जीवन भारतवर्ष की सेवा में समर्पित कर दिया। बारडोली के एक आंदोलन में सरदार पटेल ने किसानों को ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों से बचाया। ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाने वाली कर वृद्धि की समस्या का समाधान सरदार पटेल ने अपने नेतृत्व से किया। उन्होंने किसानों को न केवल कर वृद्धि से राहत दिलवाई, बल्कि अंग्रेजों द्वारा जब्त की गई उनकी जमीन भी वापस दिलवाई। उनके इस योगदान के लिए भारत देश ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। सरदार पटेल ने देश भर के किसानों को न केवल स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि उनके साथ मिलकर कई आंदोलन किए। उन्होंने उनकी परेशानियों को अपने कंधों पर उठाकर उनका समाधान करने के भरसक प्रयास किए। सभी एक समान है, कोई न ऊंच है कोई नीच है, हमें सब एक समान भाव से देखना। सरदार पटेल में प्रशासनिक दूरदृष्टि और अटल राजनैतिक कुशलता थी। वो स्वराज के साथ साथ सुराज के भी प्रणेता थे। देश के अमूल्य रत्न, आधुनिक भारत के शिल्पकार सरदार पटेल जैसे महामानव का जीवन मात्र इतिहास के पन्नों तक सीमित रह जाए, ये हमें स्वीकार नहीं। चाणक्य के बाद हिंदुस्तान की धरती पर इतना महान काम उस महापुरुष ने किया, इसलिए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व का सबसे ऊंचा स्मारक बनाना चाहते हैं। उनका जीवन और उनकी देशभक्ति हम सब के लिए देश सेवा और निरंतर आगे बढ़ने का प्रेरणा स्रोत है। उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप एक ऐसे स्मारक का निर्माण हो जो आधुनिक, अलौकिक, भव्य और अपने आप में ही एक अजूबा हो, जो न तो सिर्फ देश की आजादी के आंदोलन की बल्कि अखंड भारत के शिल्पी की गाथा सुनाए। ये एक मिसाल स्वरूप हो जो भारतवासियों की एकमतता दर्शाए। भारत के लौह पुरुष के लिए उन्हीं के देशवासियों की एक अनूठी पहल। प्रस्तुत है दुनिया की सबसे ऊंची, अतुल्य, गौरवशाली एकता की प्रतिमा, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। देश को सही मायने में एकता से श्रेष्ठता की ओर मार्गदर्शित करने के उद्देश्य से बनाया जाने वाला यह स्मारक 182 मीटर ऊंचा,
न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगुना, रियो द जानेरो के क्राइस्ट रिडीमर से 5 गुना, सरदार सरोवर बांध से 1.5 गुना और एक 60 मंजिला इमारत के बराबर होगा। मूर्ति सरदार साहब की होगी, लेकिन हम सब उसके भीतर अपने आप को देखेंगे। आप देख रहे हैं, इधर मूर्ति बनेगी, उधर एकता मजबूत होती चली जाएगी, हमारी एकता की ताकत बढ़ती चली जाएगी। और जब भी सरदार साहब की प्रतिमा की बात आएगी, हमेशा हमेशा इनके लिए एकता का मंत्र बोलिएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसा अद्भुत इंजीनियरिंग अजूबा पहले कभी नहीं बनाया गया। ये भारत का गौरव होगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता और श्रेष्ठता का प्रतीक बनेगा। ये लोहे से बनाया जाएगा, मूर्ति ऐसी बनेगी जो सदियों तक सलामत रहेगी। इसका विकास लगभग 20,000 स्क्वायर मीटर एरिया में होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच सरदार सरोवर बांध से लगभग 3 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी की गोद में साधु बेट पर स्थापित किया जाएगा। इस स्थान पर पहुंचने के लिए एक कनेक्टिंग ब्रिज भी बनाया जाएगा। विश्व के सबसे बड़े बांध में से एक के सामने खड़ा ये स्मारक सरदार की अद्वितीय इच्छा शक्ति को दर्शाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर 400 फीट की ऊंचाई पर एक व्यूइंग गैलरी बनाई जाएगी, जहां से दर्शक सरदार सरोवर बांध और उसके आसपास के आकर्षक दृश्यों का नजारा देख सकेंगे। 9,850 स्क्वायर मीटर का पोडियम बनेगा, जिसमें होंगे विजिटर एक्सपीरियंस और मेमोरियल गार्डन। इस पोडियम की क्षमता लगभग प्रतिदिन 15,000 दर्शकों की होगी और लगभग 3,000 लोग प्रतिदिन ऑब्जर्वेशन लेवल पे जा सकेंगे। साथ साथ म्यूजियम और रिसर्च सेंटर जैसे अनेक आकर्षणों का निर्माण किया जाएगा। भारतवासियों के योगदान से बनने वाली इस अद्वितीय एकता की प्रतिमा की स्थापना 31 अक्टूबर को माननीय श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी और श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा सरदार के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हुई है। सरदार पटेल की प्रतिमा को बनाने के लिए पूरा भारतवर्ष एकजुट होकर एक महाअभियान का हिस्सा बनेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के अंतर्गत 15 दिसंबर को सरदार पटेल की पुण्यतिथि के दिन सुबह 8 और 11 के बीच पूरे भारत में एक साथ 565 से भी ज्यादा जगहों पर यूनिटी रन का आयोजन किया जाएगा। इस रन फॉर यूनिटी में 20 लाख से ज्यादा भारतवासी भाग लेंगे। 565 से ज्यादा स्थानों पर ये यूनिटी रन सरदार पटेल की 565 राजसी रियासतों को एकत्रित करने की उपलब्धि को सम्मानित करने का एक अनोखा तरीका है। साथ ही साथ राष्ट्र के युवा मनों में सरदार के आदर्शों और मूल्यों को मनोगत करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर स्लोगन और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब 2 लाख विद्यालयों में से लगभग 50 लाख से भी ज्यादा छात्र भाग लेंगे। ये राइट फॉर यूनिटी छात्रों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी निबंध प्रतियोगिता होगी। इस प्रतियोगिता के तहत तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए इन स्कूलों को राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। लगभग 2 लाख ग्राम पंचायतों के सदस्यों की तस्वीरों को इकट्ठा कर विश्व का सबसे बड़ा फोटो कोलाज बनाया जाएगा, जो ग्राम पंचायतों का अहम हिस्सा है और जो भारत के गणतंत्र की बुनियाद भी है।
उन्हें इस फोटो कोलाज के माध्यम से इस स्मारक का हमेशा के लिए हिस्सा बनाया जाएगा। इस फोटो कोलाज का प्रदर्शन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के म्यूजियम में किया जाएगा, जो आने वाली पीढ़ियां भी देख पाएंगी और गर्व से याद कर पाएंगी। किसानों के मन में सरदार पटेल के लिए एक खास जगह थी और इसीलिए इस स्मारक को कोई साधारण लोहे से नहीं बल्कि खेती के पुराने औजारों के लोहे से बनाया जाएगा, जो किसानों के दिल के सबसे करीब हैं। इस गौरवशाली स्मारक को बनाने के लिए पूरे भारतवर्ष के किसान मिलकर सहयोग स्वरूप अपने पुराने लोहे के औजारों का योगदान करेंगे। ये वही औजार होंगे जिससे किसानों ने धरती माँ को सींच कर भारतवासियों का आहार पोषण किया है। इस अभियान के दौरान करीब 700 टन से भी ज्यादा लोहा इकट्ठा किया जाएगा। इस्तेमाल इस स्मारक में किसी न किसी स्वरूप में किया जाएगा। साथ ही साथ भारतवर्ष की 1,87,000 ग्राम पंचायतों और 80,000 से भी ज्यादा शहरी इलाकों से मिट्टी एकत्रित की जाएगी। इस मिट्टी का कुछ भाग प्रतिमा का हिस्सा बनेगा और कुछ हिस्से का संग्रहालय में संचय किया जाएगा। संग्रहालय में परिरक्षित इस मिट्टी के हिस्से को देख देश के कोने कोने से आए भारतवासी अपने अपने गांव के किए गए इस ऐतिहासिक योगदान को याद करेंगे। सरदार ने किया भारत को एक, आओ मिलकर बनाएं इसे श्रेष्ठ। सरदार ने हमेशा से केवल स्वराज को ही नहीं बल्कि सुराज को भी बढ़ावा दिया है। इसी बात को बयान करने के लिए देश के कम से कम 2 करोड़ लोग सुराज पिटीशन साइन करेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा साइन पिटीशन होगा, जहां इस अनोखे तरीके से सभी देशवासी एक बेहतर भारत की सारी उम्मीदों को व्यक्त कर सकते हैं। 2,50,000 जगहों से एकत्रित किए पिटीशंस को एक साथ जोड़कर इन्हें संग्रहालय का हिस्सा बनाया जाएगा। ये भारत का गौरव होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता और श्रेष्ठता का प्रतीक बनेगा। हमारा कर्तव्य ये है कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको हिल मिल के भाई भाई की तरह के रहना है। सरदार ने अपनी गंभीरता, शालीनता और दूरदर्शिता से भारत को संगठित करने के असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। आइए आज हम सब उन्हीं की महिमा में विश्व के सामने एक उदाहरण रखें, क्योंकि ये ही भारत को श्रेष्ठता के मार्ग पर ले जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता की प्रतिमा और श्रेष्ठता का प्रतिबिंब है, एक पहल है इस भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के सपने को पूरा करने के लिए, एक पुकार है हम सबको एकजुट होने के लिए, एक आंदोलन है भारत को सबसे आगे ले जाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए। आपके योगदान और विश्वास से ही बनेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। एकता का स्मारक है, एकता का संदेश है कि भाषा अनेक, भाव एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, योजना अनेक, मकसद एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, पहनावा अनेक, प्रतिभा एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। ये एकता का संदेश लेकर के हम चले। और भाइयों बहनों, ये भारत की विशेषता है,
विविधता में एकता, यही भारत की विशेषता है। इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए एवं और जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 8009-8009 या लॉग इन करें www.soumovement.com।